Tania, buenas. Only through their textbooks, and I think this will reintroduce them, to his. Few moments later. तो ये दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू दर ब्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत मस्त हूँ। तो दोस्तों मैं आया हूँ आज बिजली विभाग के ऑफिस में। यहाँ पे आज भीमराव अंबेडकर की जयंती का आज प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा उत्सव चल रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे क्या प्रोग्राम चल रहा है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए बिजली विभाग के, सभी लोग मिलेंगे आपको। तो भाई ब्लॉग में बने रहना और पूरा वॉच करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मैं भीमराव अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी। सो दोस्तों तो मैं लेके चलता हूँ भाई, और मैं वहां पे दिखाऊंगा कैसी क्या सजावट है, किस तरीके की तैयारी चल रही है। तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों तो भाई सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सभी लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए मैं अभी वीडियो दिखाता हूं आपको जाके, तो सभी अधिकारी आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे से सजाया गया है, फूल गुब्बारे वगैरह कितने प्यारा लग रहा है। सजने के बाद फिर अंदर चलते हैं, हम आपको और भी चीजें दिखाते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। सो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये MD साहब की गाड़ी सामने खड़ी हुई, ये इनका ऑफिस है। तो अभी MD साहब भी आएंगे, तो हमें दो भाई लोग मिले हैं। हेलो कर दो एक बार, हेलो कर दो। हेलो, और बढ़िया बढ़िया। तो अभी तैयारी मेरा है मिस्टर प्रशांत श्रीवास्तव के नाम से। सो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ये मैं आ गया हूँ अंदर, हॉल के अंदर आ गया हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी से व्यवस्थाएं करी गई हैं, बहुत अच्छे से सजाया गया है। सभी बड़े अधिकारी लोग आएंगे अभी यहाँ पे, सब लोग बैठेंगे, विजिट करेंगे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो भाई कितना शानदार लग रहा है, और ब्लॉग में बने रहना और भी अच्छी अच्छी नई। तो धीरे धीरे सभी गेस्ट लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे बैठते जा रहे हैं सभी लोग। ये देख, ये सामने हमारे JE साहब बैठे हुए हैं। प्रेरणा लेने का दिन है, उनको अपने जीवन में उतारने का दिन है, अनुकरणीय दिन है। बाबा साहब की वजह से ही फैक्ट्रियों में 12 से 14 घंटे काम का नियम बदल कर 8 घंटे कर दिया गया। सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं, और इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं है छोड़ना रातों में क्या रखा है, तू अपना देख इनकी बातों में क्या रखा है, सराले फूल को तू कांटों में क्या रखा है, असल भी होगा जो इरादों में कर सकता तू, रातों में क्या रखा है, तू अपना देख इनकी बातों में क्या रखा है, सराले फूल को तू कांटों में क्या रखा है, असल भी होगा जो। हाँ हम चल पड़े, हाँ चमकते हम खड़े, चांद को बोला सूरज को तू बोल दे हमसे कम जले, भर ली जान अब किस्मत को भी बोलना हमसे कम लड़े, जो हमसे आस लगाए बोल उन्हें ना ख्वाहिश कम करे। मुस्कुराता मैं ताकि खुशियाँ और बढ़े, सामने वाला हमको देख के 4 कदम ही और चले, मांगने वाला हमसे लेके खुश रहे, बोझ ना महसूस करे या लेना देना चलता रहना दूर तक है। घर पे बोला फिकर नहीं, हाथ में लेके निकला कलम हूँ मैं ट्रिगर नहीं, मिली वो रास्ते पे तो वक्त गुजारा उसके साथ भी, पसंद दी उसकी बोल चाल से ज्यादा मुझको फिगर नहीं, पर वो भी खतरनाक बोल सकता झूठ नहीं, चल अब वो किस्सा खत्म भाई अब मेरा मूड नहीं, अपनों के लिए खुशियां भर दूंगा, शर्मा जी का लड़का भी है बीट पे तो कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा। जिंदगी को लेता हल्के में, जब तक चले सांस चलते रहे,
कल ना होगा कुछ बुरा, मुस्कुरा 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 मुस्कुरा। सुहाना दिन है छोड़ना रातों में क्या रखा है, तू अपना देख इनकी बातों में क्या रखा है, सराले फूल को तू कांटों में क्या रखा है, असल भी होगा जो इरादों में कर सकता तू। रातों में क्या रखा है, तू अपना देख इनकी बातों में क्या रखा है, सराले फूल को तू कांटों में क्या रखा है, असल भी होगा जो तू अपना देख। बड़े से बड़ा सपना देख, है जख्मा थे तू बेहतर बन के चकमा दे, तुझे दिखती मंजिल तो लोगों को ना चश्मा दे, बस दिखता जिनको मानने दे, जमाना सही था पर अब उस बात को भी जमाने बीत गए। yeah, हम खा के धोखा ईमानदारी सीख गए। yeah, घर से पैसे जब हुए खत्म तो ढूंढा चारों ओर, वाके फसलियत से होके काम जारी और दुनियादारी सीख गए हमारे केस में। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ पिछले 7 वर्ष से हम लोग लगातार आदरणीय एम और इस वर्ष भी इस कार्यक्रम की भव्यता हमारे बीच हमारे आदरणीय और उसके नजदीक से भी बहुत अधिकारियों से मैंने कहा है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि हमारे बीच पहले बात के ऐसे साहब बेरो साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आगरा पंगा नगर मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच रामप्रसाद साहब हमारे अधीक्षक नेता वाणिज्य मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच जवान मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच ऐसी प्रशासन का जगह से जो भी हमारे अधिकारी आए हैं, मैं सभी का उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो उस कार्यक्रम में जिन्होंने अपना समय निकाला। सर्वप्रथम मैं आदरणीय एलबी सिंह साहब अध्यक्ष उनका कॉन्फ्रेंस से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और आदरणीय एमपी साहब का मुख्य लेकर सम्मान लेते हैं। सर से मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय एमपी साहब का शर्मा साहब को मौके देकर
संगम शरणम गच्छामि पदम समादयामि अतिन्नादानमेवमणि शिखा पदम समादयामि कामेषु निशाचारावेमणि शिखा पदम समादयामि। बहुत बहुत धन्यवाद। जिराव व दादा का नाम मानू जी सकपाल था। उनके बचपन का नाम भीमा था। उनके पिताजी फौज में सूबेदार के पद पर नौकरी करते थे और कबीर पंथ के मानने वाले थे। उनकी माता श्रीमती भीमा बाई एक सामान्य घरेलू महिला थी। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही भीमा के सर से माँ का साया उठ गया और बाद में बुआ मीरा ने उनकी परवरिश की। भीमा की प्रारंभिक शिक्षा सतारा की प्राथमिक पाठशाला में हुई, लेकिन बाद में उनका दाखिला सतारा के गवर्नमेंट वर्नाक्यूलर हाई स्कूल में करा दिया गया। हर परीक्षा इंपॉर्टेंट दैट वी रीविजिट हिम एट दिस टाइम एज द ग्रेटेस्ट इंडियन बिकॉज़ व्हाट ही गिव आवर पीपल इज जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस टू दोज हु हैड हिस्टोरिकली बीन डिनाइड जस्टिस एंड वी कैन ओनली कॉल आवरसेल्फ अ सिविलाइज्ड नेशन इफ वी वर्क टुवर्ड्स रिपेयरिंग द हार्म दैट वी हैव कॉज्ड generations of people. So, adab and salam, Dr. Bhimrao Ambedkar. When we were growing up, only through their textbooks, and I think this will reintroduce them to his greatness and what he has done for our country. So I think it's a wonderful thing, and hats off to Mr. Ambedkar. The show. We believe in the promise of India, and we believe that the future is what we make it. We believe that no matter who you are or where you come from, every person can fulfill their God-given potential. Just as a Dalit like Dr. Ambedkar could lift himself up and pen the words of the Constitution. करके एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में आप सबके बीच प्रस्तुत करें। समिति का एक और प्रयास है, एक पत्रिका जो इस कार्यक्रम में पहली बार इस शक्ति नायक का विमोचन होना है, उसमें बाबा साहब के पूरे जीवन दर्शन, उनके जीवन की चुनौतियों और संघर्ष के बारे में पूरा विस्तृत विवरण है। मैं चाहूंगा समिति के महत्वपूर्ण मेम्बरान से कृपया वो आ जाए और इस पत्रकार अम्बेडकर जयंती जब मनाई गई है तब की उस समय की यादों को और अब तक के सफर को इसमें उन्होंने इसको प्रदर्शित किया है। और ये समझता इसमें पुराने हमारे जो जितने हमारे जो अधिकारी रहे हैं उन सभी की छवि इसमें आपको दिखेगी। ये शुरुआत पहली शुरुआत थी और सर इसमें सर का मार्गदर्शन आज के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा सर को ताली बजा के स्वागत। हमारे राजवीर जी पुष्पेंद्र जी तो दोस्तों जैसा कि आप देखा होगा फिर उन लोगों ने पिया माजा, भाई माजा पी के मजा आ गया। सो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे एमडी साहब बांट रहे हैं सभी बच्चों को बैग और पुस्तकें। बैग वितरण कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। इस बार भी रूप से हम बच्चों के द्वारा 50 बैग स्कूल के बाकी बच्चों सभी लोगों का मोहर के साथ ताली बजाते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा
बच्चों प्रथम की मुख्यमंत्री श्रीमती संगीता सक्सेना को स्मृति जी देकर स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा पुष्पन जी से, मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच बस स्वागत है। सो फाइनली पूरा प्रोग्राम हो चुका था तो हम चले आए, अब एमडी साहब यहाँ से चले गए थे इस वजह से। तो भाई जो मेन प्रोग्राम था ना वो हो चुका है, अब थोड़ी बड़ी एक्टिविटी चलती रहेगी वो अपने खत्म। सो दोस्तों तो भाई काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी आए थे यहाँ पर और बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया है, बहुत अच्छा लगा, सभी लोग आए थे और बहुत अच्छे से स्वागत किया गया।
तो अभी एमडी साहब यहाँ से जा रहे हैं, कहीं मीटिंग वगैरह है, तो इस वजह से वो तो हमारे अभी विनोद भाई आ चुके हैं, गाड़ी इनकी यहीं लगी हुई है, तो अभी इनसे भी मिलवाते हैं। ये भी भाई विनोद भाई, हेलो विनोद भाई, कैसे हो आप? बढ़िया है भाई, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था और बहुत बच्चों ने काफ़ी एक्टिविटी करी थी, और जो बेचारे गरीब बच्चे थे और उनको बैग मिला है, उन्होंने क्या कहते हैं एमडी साहब हैं, उन्होंने गरीब बच्चों को बैग पुस्तक भर के दी है, उसके अंदर सब कुछ है। और भाई दो बच्चे जो गिफ्ट मिले थे वो इंटरनेशनल कोई गेम खेल के आए थे, तो उसमें उनको प्राइज़ मिला है, तो बहुत अच्छा लगा मतलब प्रोग्राम। सो दोस्तों, तो भाई ये ब्लॉग कितना अच्छा लग रहा है आपको? भाई बहुत मज़ा आया होगा और काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटी भी कराई गई हैं, तो भाई ऐसे ही। और भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 132वां जन्मदिन है हमारे भीमराव अंबेडकर का। सो ये दोस्तों, भाई टाइमिंग अभी हो रही है, 7 बज चुके हैं, तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। और मैं बता दूँ आपको भाई, आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि काफ़ी अधिकारी लोग आए थे, काफ़ी बच्चों ने एक्टिविटी की थी। सो भाई आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहना। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं उस हिसाब से वीडियो डालता रहूँगा, और भी नए नए वीडियो मिलेंगे आपको यूनिक। तो भाई ओके, बाय बाय, टेक केयर, तो चलते हैं घर। Off to Miss America.